भारतीय सेना में आई रेजिमेंट को समर्थन देने हरियाणा के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं। दीपेंद्र जी क्या कहेंगे आज समर्थन देने पहुंचे हैं? यही रेजिमेंट की जो मांग है उसको उसको जो है हमारा समर्थन है, उसको मांग का हमारा समर्थन है और अगर उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इसका संज्ञान लेगी। सर आपने राज्यसभा में भी ये मामला उठाया था, आपको क्या लगता है कि आगे भी जो आवश्यकता पड़ेगी इसको उठाते रहेंगे और विधानसभा में भी मैं भी देता हूँ। हमें उम्मीद है चाहे विधानसभा हो चाहे राज्यसभा हो इस मांग को हम उठाएंगे। कांग्रेस के विधायक है, क्या उनसे भी आपने कहा है कि विधानसभा में भी ये मामला उठाएंगे? हाँ, इसको जिस रूप में हो सकेगा, अभी भीड़ में आपसे पूरी बात नहीं कर पा रहे लेकिन हमारा पूरा समर्थन। हमारे साथ महेंद्रगढ़ से विधायक रावदान सिंह है, सर कैसा देखते हैं आज यही रेजिमेंट के समर्थन? ये एक जायज मांग है जो सालों से चल रही है। यहाँ के रणबांकुरों ने अपने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए, देश की जंग आजादी के लिए प्राणों की हमेशा आहुति दी और बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह का समर्थन हर समाज ने हर पार्टी ने आज दिया है वो निश्चित तौर पे केंद्रीय सरकार को माननी चाहिए और हम उसका जोरदार समर्थन करते हैं। केंद्र में भी भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से है और हरियाणा में भी, क्या लगता है क्यों अब तक, हालांकि ये केंद्र का काम है रेजिमेंट बनाना, क्या वजह मानते हैं अब तक? देखिए मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने तो पहली शुरुआत ही यहाँ पर उन सैनिकों के क्षेत्र से की थी, रेवाड़ी से, तो उनको तो स्वयं इस बात का पता है कि यहाँ के लोगों के अंदर जहाँ किसान की बात आती है उसके साथ में जवान की बात भी है और जितनी ताकत यहाँ के जवान में है वो इस देश की सीमाएं बताएंगे और देश के अंदर होने वाले बताएंगे।